This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. For yummy foods and adventurous trips, subscribe Yummy Food Path. अगर आप मुंबई में रहने वाले कपल हैं और आसपास की किसी जगह पर अपने पिकनिक प्लान करना चाहते हैं तो आइए बताते हैं कुछ खास और बेहतरीन पिकनिक स्पॉट के बारे में। कपल्स अगर सेलिब्रेट करने के लिए कहीं दूर नहीं जा पा रहे हैं या फिर आपको पास पार्टनर के पास ज़्यादा वक्त नहीं मिल पा रहा है या किसी खूबसूरत से डेस्टिनेशन पर जाकर सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे हैं और मुंबई में रहते हैं तो निराश मत होइए। हम आपको मुंबई से 200 किलोमीटर के अंदर ही कुछ ऐसे स्पॉट्स के बारे में बताएंगे जहाँ आपको जाकर अच्छा फील होगा, साथ ही एक दिन की पिकनिक हमेशा के लिए आपकी खूबसूरत यादों का हिस्सा बन जाएगी। करनाला बर्ड सेंचुरी। अगर आपको पक्षियों से बहुत प्यार है तो मुंबई से महज 50 किलोमीटर पर करनाला बर्ड सेंचुरी है। यहाँ आपको पक्षियों की 222 प्रजातियों को देखने को मिलेगा। इसमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 114 प्रजातियों की तितलियाँ भी हैं। लवासा। मुंबई से लवासा की दूरी 186 किलोमीटर है। 8 बड़े बड़े पहाड़ों के बीच स्थित एक खूबसूरत जगह है। इसके अलावा झील के किनारे बैठना आपको एक अलग सुकून का एहसास देगा। इस शहर को देखकर आपको लगेगा कि ब्यूटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ये। मनोरी आइसलैंड। मुंबई से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मनोरी आइसलैंड वीकेंड ट्रैवलिंग का फेवरेट डेस्टिनेशन है। रीजन, यहाँ का बीच, सड़कें और यहाँ का कल्चर पूरी तरह से गोवा जैसा है। ऐसे में यहाँ जाने का मतलब मिनी गोवा ट्रिप जैसा है। इसके अलावा यहाँ स्पेनिश विला जैसा बेहतरीन रिजॉर्ट भी है जो पिकनर्स के मनपसंदीदा जगहों से एक है। खाने में यहाँ आपको सी फूड्स के अलावा इंडो चाइनीज व्यंजन मिल जाएंगे। मैथेरन। यह जगह मुंबई से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। वीकेंड ट्रिप और पिकनिक के लिए इसे बेहद मुफीद माना जगह जाता है। बता दें कि यहाँ घाटियों में फैला कोहरा, हवाओं में तैरते हुए बादल और बेहतरीन मौसम आपको यहाँ का दीवाना बना देंगे। इसके अलावा यहाँ पहाड़ों पर हरियाली के बीच में घूमकर आती ट्रेन का नज़ारा देखना बहुत सुखद लगता है। यहाँ पर परोनामा पॉइंट से सनराइज और सनसेट देखने को ही बनता है। सिहत फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 2000 साल पहले हुआ था। ये अंदाज़ा यहाँ स्थित कौंदी शिव मंदिर की नक्काशी को देखकर लगाया जाता है। यहाँ स्थित माँ काली के मंदिर की अलग ही महत्वता है। उस मंदिर के बगल हनुमान जी की जो प्रतिमा है, इसके अलावा यहाँ आपको इतिहास के कई और खजाने देखने को मिलेंगे। तो अगर आप आसपास रहते हैं मुंबई के तो ये सब जगहों पर आप घूमना जाना ना भूलिए अपने बेटर हाफ के साथ।